भारतीय जनता पार्टी एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन इंडिया ने अधिकांश जगहों पर अपने अपने दावेदारों के नाम भी ऐलान कर दिए हैं। सरकार में आतिश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आशंका जताया है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता की गिरफ्तारी का भी उन्होंने अंदेशा जताया है। क्या उन चेहरों को मैदान में नहीं उतारा जा सकता जो महिलाएं समाज से जुड़ी हो, जो समाज के लिए काम कर रही हो? भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी मैदान पूरी तरह से सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन इंडिया ने अधिकांश जगहों पर अपने अपने दावेदारों के नाम भी ऐलान कर दिए हैं। दोनों तरफ से देश के 8 बड़े राज्यों में करीब 50 महिला दावेदारों को मैदान में उतारा गया है। ये 8 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। लेकिन एक ऐसा राज्य भी है जहां पर एक महिला ये कह रही है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। वो महिला है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आशंका जताया है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता की गिरफ्तारी का भी उन्होंने अंदेशा जताया है। केजरीवाल के रिमांड के दौरान ईडी ने कोर्ट में बताया कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर सीधे तौर पर आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करते थे। अब इन दोनों के नाम आने से ईडी के सामने आने और पूछताछ के बाद इनको जेल भेजने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अब ये ईडी पर निर्भर करता है कि इन बातों को कितनी अहमियत देती है। उसको लेकर दोनों नेताओं को बुलाया जा सकता है और ये उम्मीद है कि दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट ही जेल चली जाएगी, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित अन्य लोग आबकारी नीति में जेल जा चुके हैं। परिवहन मंत्री से भी अभी हाल ही में पूछताछ हुई थी। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ तमाम जो पार्टियां हैं वो महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, महिला चेहरों को सबसे ज़्यादा सामने रख रहे हैं, वहीं दिल्ली में एक मंत्री जो है वो ये कह रही कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार शराब घोटाले में फंसती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक कई चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन आइए जिस पूरे मुद्दे पर शुरुआत की थी हमने उसी पर वापस लौट चलते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, 8 राज्यों का जिक्र किया था मैंने। इन 8 राज्यों में बड़े बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जिनकी पत्नियां, जिनकी बेटियां चुनावी मैदान में इस बार हुंकार भरने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन जो दावा किया जाता है क्या वो दावे पूरे हुए हैं? क्या उतनी सीटें महिलाओं को दी गई हैं जितनी सीटों की बात होती थी? देखिए, सबसे दिलचस्प है कि इन 8 राज्यों में राजनीतिक पार्टियों ने जिन महिलाओं को टिकट दिया है उनमें से 90% महिलाएं या तो किसी बड़े राजनेता की पत्नी है या बेटी है। तो आम महिलाओं को आप कहां से स्वावलंबी बना रहे हैं और कहां से सामने लेके आ रहे हैं? देखिए, बिहार की बात कर लें तो बिहार में तो लालू यादव ने अपनी दोनों बेटियों को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। लालू की एक बेटी रोहिणी ने सारण सीट से कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती के भी चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है। देखिए, 40 लोकसभा सीटों वाली बिहार में इस बार राजनेताओं की 3 बेटियां मैदान में हैं। सारण और पाटलिपुत्र से लालू यादव की 2 बेटियां चुनावी समर में उतरी हैं। सारण से रोहिणी आचार्य और पाटलिपुत्र से मीसा भारती चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि दोनों के नाम की अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। समस्तीपुर में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी मैदान में है। शांभवी को लोजपा ने टिकट दिया है। शांभवी के पहले जमुई से लड़ने की अटकलें थी, लेकिन आखिरी वक्त में चिराग ने उन्हें समस्तीपुर शिफ्ट कर दिया। और इसके अलावा बिहार में पत्नियों को टिकट दिलाने में भी राजनेता पीछे नहीं है। एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी वीणा सिंह वैशाली से लोजपा आर के टिकट पर मैदान में है। इसी तरह बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी लवली आनंद जेडीयू सिंबल पर शिवहर से लड़ रही हैं। सिवान से पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को भी जेडीयू ने टिकट दिया है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और कुल 80 सीटें हैं। कहते हैं ना, जिसने उत्तर प्रदेश फतेह कर लिया वो भी सिंहासन पर बैठेगा, दिल्ली के सिंहासन पर। यहाँ भी बेटियां और पत्नियों का दबदबा है। मिर्जापुर से कद्दावर नेता सोनीलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया एनडीए गठबंधन से मैदान में है। केदाना सीट से पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन सपा के टिकट पर मैदान में है। सपा ने गोंडा से राकेश वर्मा की बेटी श्रेया वर्मा को टिकट दिया है। गाजियाबाद सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा भी गाजियाबाद के नेता नरेंद्र भारद्वाज की बेटी हैं।
गांधी परिवार की प्रियंका गांधी की रायबरेली अमेठी सीट से लड़ने की चर्चा है। बात पत्नियों की करें तो लालगंज सीट से बीजेपी ने राजेंद्र सोनकर की पत्नी नीलम सोनकर को मैदान में उतारा। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाया है। बात एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कर लें तो यहां पर भी ये सारे हिंदी भाषी प्रदेश हैं। हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में भी महिलाओं को टिकट देने के नाम पर राजनीतिक दलों ने परिवार के लोगों को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान की नागौर सीट से बीजेपी ने राम प्रकाश मिर्था की बेटी ज्योति मिर्था को उम्मीदवार बनाया। इसी तरह जयपुर सीट से पार्टी ने भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने झालवाड़ा 12 से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शहडोल सीट से हिमाद्री सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हिमाद्री के पिता दलबीर सिंह इलाके के कद्दावर नेता थे। पार्टी ने बालाघाट सीट से भी खीर सागर पारधी की बेटी भारती पारधी को टिकट दिया है। आरएसएस से जुड़ी खीर सागर पारधी बालाघाट जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। टिकट वितरण में कांग्रेस ने भी परिवारवाद को खूब तवज्जो दी है और इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। जो बीजेपी ये कहती है कि हम परिवारवाद पर नहीं चलते, आपको दिख रहा होगा कि अब तक जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सारे भाजपा प्रत्याशी के हैं जिन्होंने अपने नेताओं की बेटियां या पत्नियों को टिकट दिया है। देखिए, पार्टी ने रीवा सीट से विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सरगुजा सीट से कांग्रेस ने तुलेश्वर सिंह की बेटी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह रायगढ़ सीट से पार्टी ने सारगढ़ के पूर्व राजा नरेश चंद सिंह की बेटी मेनका देवी को टिकट दिया है। कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत उम्मीदवार बनाई गई हैं। ज्योत्सना नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी है। बात बीजेपी की करें तो पार्टी ने महासमुंद सीट से ओम प्रकाश चौधरी की पत्नी रूप कुमारी को टिकट दिया। महाराष्ट्र में भी नेताओं की बेटियों को खूब तरजीह दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बीड से पंकजा मुंडे को टिकट दिया है। पंकजा गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। इसी तरह पार्टी ने हरीशचंद पटेल की बेटी भारती पवार को डिंडौरी से उम्मीदवार बनाया है। भारती केंद्र में अभी मंत्री भी है। नंदुबार से हिना गावती उम्मीदवार बनाई गई है। हिना कद्दावर नेता विजय चंद्र गावती की बेटी है। एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से को बीजेपी ने रावेड़ सीट से प्रत्याशी बनाया है। अमरावती से उम्मीदवार बनी नवनीत राणा भी रवि राणा की पत्नी है। बारामती सीट से अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में है। सोलापुर से कांग्रेस के टिकट पर सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे कांग्रेस की उम्मीदवार है। कर्नाटक में भी विरासत बचाने बेटियां उतरी हुई हैं। दक्षिण के कर्नाटक में भी पिता की विरासत बचाने के लिए बेटियों को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु साउथ से मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या को टिकट दिया है। वहीं शिवमोगा से पूर्व सीएम एस बंगरप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। चिकौदी से कांग्रेस ने मंत्री सतीश जरकिहोली की बेटी प्रियंका जरकिहोली को मैदान में उतारा। बागलकोट से शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता पाटिल पंजे के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। इस तरह एसएस मल्लिकार्जुन की पत्नी प्रभा दावणगेड़े ने चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने भी यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री जीएम सिद्धेश्वरी की पत्नी गायत्री को मैदान में उतारा। झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में नेताओं की पत्नियां बहुत हावी हैं। दुमका से बीजेपी ने दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, सिंहभूमि से मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और कोडराम से रमेश यादव की पत्नी अन्नपूर्णा देवी को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस और झामुमो ने अब तक अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन यहां लोकसभा की 3 सीटों पर नेताओं की बेटियां या पत्नियां दावेदार जरूर हैं। तो ये समझा जा सकता है इस बार का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और महिलाओं पर पूरी तरह से फोकस है। देखिए, एक बात तो तय है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, टिकट दिया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये वही महिलाएं हैं, किसी की बेटी है किसी की पत्नी है, जिनका बैकग्राउंड राजनीतिक है। क्या उन चेहरों को मैदान में नहीं उतारा जा सकता जो महिलाएं समाज से जुड़ी हों, जो समाज के लिए काम कर रही हों? ये महत्वपूर्ण है। तो क्या यही महिला सशक्तिकरण है, सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाना, या फिर इसका मतलब कुछ और है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। भारत@9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।